Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss the question answers of 12th standard OCM, that is Organization of Commerce and Management, chapter number 7, Consumer Protection. So, यहाँ पर हम इस chapter में consumer protection के अलग अलग जो acts हैं उसके बारे में study करेंगे. Consumer protection का meaning क्या होता है, उसकी definition क्या होती है वो, एंड साथ ही साथ हम इसके डिटेल में लेंथी क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं. साथ साथ में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आंसर का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हो, केस स्टडी हो, सबके बारे में आपको मैं आंसर प्रोवाइड करूँगा. तो जैसा आप चैप्टर के स्टार्टिंग में देख पा रहे हो, मैं स्लाइड अप कर रहा हूँ. यहाँ पर कुछ शॉर्ट रिविजन दिया है जिसके थ्रू आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. चैप्टर में जो अलग अलग आपको वर्ड्स हैं, एब्रिविएशन है, उसके फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ इसमें प्रोवाइडेड है. वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे. पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो. यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, मैं स्लाइड अप कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको इसका सारा आंसर एक साथ में प्रोवाइड कर दिया गया है. तो यहाँ से आप देख के क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे फिलिंग द ब्लैंक्स के, यानी कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस के आंसर मिल जाएंगे. यहाँ से आप देखकर उसको लिख लीजिए, टेक्स्ट बुक एज वेल एज आउटसाइड के भी. आउटसाइड यानी कि टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं होता है, जो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं. फिर यहाँ पर मैच द पेयर्स भी दिया है, उसका भी आंसर यहाँ पर ऐसे प्रोवाइडेड है आपको, तो वो भी आप लिख लीजिए. राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो आंसर इन वन वर्ड फ्रेज भी दिया है, तो वहाँ से आप वो भी देखकर कॉपी डाउन कर लीजिए. बेस्ट एजुकेशन क्लासेस का ये मोटिव है कि आप लोगों को किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल ख़रीदने के लिए किसी भी तरीके का खर्चा ना करना पड़े. आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के हेल्प से अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर सको, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हो या टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हो. ट्रू और फॉल्स है यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ कहा गया है ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको बताना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है कि फॉल्स स्टेटमेंट को रीराइट करना है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं. अनटिल एंड अनलेस उन्होंने क्वेश्चन में ये ना मेंशन किया हो कि फॉल्स स्टेटमेंट को या रॉन्ग स्टेटमेंट को रीराइट करो, आपको रीराइट करके अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिख करके सिंपली आपको उसके आगे लिख देना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन. तो फाइंड द ऑड मैन आउट में यू विल हैव सम वर्ड्स, एंड उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से जो भी पर्टिकुलर वर्ड है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता उसको आपको बाहर निकाल देना है, यानी कि आउट कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, सेम फिलिंग द ब्लैंक्स है, बट इसमें आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइडेड है, तो विदाउट ऑप्शन है. राइट हैंड साइड में इसका आंसर गया है ऊपर स्लाइड अप करके, तो आप वीडियो को पॉज करके या थोड़ा सा पीछे जा करके आप आंसर वहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन से मैच द पेयर्स की जैसा यहाँ पर टेबल बनाया है, बट आपको क्या किया है, पेयर्स में आपको सारे वर्ड्स दिए होते हैं, बस आपको उसको पेयर अप करना होता है, बट यहाँ पर आपको वर्ड्स को लिखना पड़ेगा जैसे कंप्लीट द टेबल की तरह. एंड ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए होता है. लेंथी क्वेश्चंस जो होते हैं उसका वेटेज कुछ अलग होता है. अगेन आंसर इन वन सेंटेंस है यहाँ पर, तो आपको कोशिश करना है कि जो भी आंसर आप यहाँ पे लिखो क्वालिटी में लिखो, यानी कि वन सेंटेंस में आप आंसर को लिख दो, आप आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा. जो भी आंसर का एक्सपेक्टेड कीवर्ड है वो यहाँ पर हाईलाइटेड है, तो इस कीवर्ड की ज़रूरत होती है आंसर को कंप्लीट होने के लिए. कई बार होता है ना ऐसा आपका कन्फ्यूजन कि हमने आंसर में तो बहुत कुछ लिखा था लेकिन मार्क्स नहीं मिला, तो जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है वो इन कीवर्ड्स को ढूंढता है, और जहाँ पर भी जिस किसी भी आंसर में पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है तो वहाँ पर आप अपने ओन वे में एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करके आंसर को लिख सकते हो, आपको अच्छा मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा. सो वीडियो को जस्ट मैं स्लाइड अप करते जाता हूँ, आप पॉज कर करके अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते जाइए. आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन यानी कि सेटिंग्स में जा करके आप रेजोल्यूशन को 720p या फिर 1080p पे देखें, जिससे कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, विजिबिलिटी आपकी अच्छी रहे. वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जाके वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले ताकि हम आपको ऐसी और वीडियोज़ बना के आपकी हेल्प करते रहें एंड चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ऑप्शन. तो कुछ इंग्लिश के पेपर की तरह यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज यानी कि बेसिकली ये सिचुएशन है. इस सिचुएशन को पढ़ करके आपको 3 मार्क्स के लिए 3 आंसर्स को, 3 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं. अब यहाँ पर ध्यान देना आपको किड्स ये है कि
सिंपली आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू रीड द पैसेज मीन्स द पैराग्राफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके फिर आप उस आंसर को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखे, जिससे कि आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएगा. अगर आप सिंपली कॉपी पेस्टिंग करते हो तो कई बार आंसर का जस्टिफिकेशन रह जाता है. जस्टिफिकेशन अगर रह जाएगा तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स नहीं ग्रांट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क्स के लिए आता है. तो 4 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट्स और इस तरफ 4 पॉइंट्स, ऐसे करके आपको टोटल 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं, यानी कि हाफ मार्क्स ईच के लिए. यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किया गया है आपके स्टडी के लिए, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो जब आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप कोई भी आंसर को, कोई भी पॉइंट्स को स्किप ना करें. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं 100% तो उसमें से हमें याद रहता है 70%, और जब हम पेपर में जाके लिखते हैं तो हमें सिर्फ याद रह जाता है 10%. तो ऐसा गैप ऑफ नॉलेज ना हो, इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप पूरा का पूरा लिखें. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट 4 मार्क्स के लिए. ये क्वेश्चन जो है 2021 के सितंबर 2021 में पूछा गया था कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट के बारे में. तो ये चैप्टर का सबसे मेन मोटिव, सबसे मेन फोकस कंज्यूमर के बारे में है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, जिसके बारे में किसी भी बिजनेस को ध्यान रखना होता है. फिर उसके बाद पीपल्स कोर्ट के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखो इसको आंसर लिखने का तरीका एक कि फर्स्ट आप उसका जस्टिफिकेशन लिखते हो, फिर लोक अदालत क्या होता है, पीपल्स कोर्ट क्या होता है, वो क्या करता है, उसका अगर कोई डेफिनेशन है तो आपको उसका डेफिनेशन और उसके बारे में एग्जांपल वगैरह आप लिख सकते हो. तो लिख देना है आपको कुछ इस तरीके से आंसर लिखना है. यानी आपको ध्यान रखना है किड्स कि अगर आप कोई भी आंसर बहुत ही अच्छे से आपको जब वो आता है, मीन्स आपको अगर क्वालिटी में आंसर लिख सकते हो तो कम पॉइंट्स भी लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा. लेकिन अगर आपको क्वालिटी में नहीं आ रहा है आंसर तो आपको फिर क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी जिससे आपको मार्क्स मिल जाए. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. सो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन है उनके आंसर आगे चल के क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीट होने वाले हैं, इसके लिए रिपीटेडली आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ एनजीओस. एनजीओस जो होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइवेट फॉर्म होते हैं, जो लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, और प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में आपको लिखना है. तो यहाँ पर एनजीओस का एग्जाम्पल दिया है, जो बड़े बड़े जाने माने एनजीओस हैं उनके बारे में बताया है, उनका रोल बताया है कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंपोजिशन एंड द मॉनिटरी जुडिशरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम. तो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीट होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीट होगा. सो इसको आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 8 जो मेन आ जाता है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन. सो 8 मार्क्स का क्वेश्चन याद करने के लिए भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, जिसका सोल्यूशन हमने निकाला है. जो स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखा है वो इस मेथड के साथ में फेमिलियर है, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो एक बार आप देख लीजिए. अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज़ कंज्यूमर, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. तो पहले हम आंसर करेंगे कंज्यूमर के बारे में. अब कंज्यूमर क्या होता है, तो कंज्यूमर का हम मीनिंग बताएंगे. अगर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है कंज्यूमर का तो वो हम बता देंगे. उसके बाद में एग्जाम्पल बताएंगे उनके बारे में एंड अपने खुद के कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे जिससे कि हम कंज्यूमर के बारे में और बता सकते हैं. फिर उसके बाद हम आएंगे अपने मेन क्वेश्चन पे, वो है राइट्स ऑफ कंज्यूमर. तो थ्रू आउट द चैप्टर आपने बहुत सारे राइट्स पढ़े होंगे. अब आपको करना क्या है कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बारे में आपने डेफिनेशन बता दिया या जो भी कुछ आपको मीनिंग बताना था वो बता दिया. नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यू हैव टू मेक अ डायग्राम. अब डायग्राम से क्या होगा कि आपके आंसर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन सब पॉइंट्स होते हैं, वो आप डायग्राम के थ्रू बता दोगे पहले ही, जिससे जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को सारे सब पॉइंट्स अच्छे से याद हैं. अब वो लिखने के बाद से मैं आपको वो कैसे याद रहेगा उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक आसान सा तरीका बताया, इसे हम कहते हैं कीवर्ड्स, स्टडी थ्रू कीवर्ड्स. तो यहाँ पर हम जान रहे हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो उसको हम याद रखेंगे स्क्रिप्ट्स CHR2, स्क्रिप्ट्स CHR2. अब स्क्रिप्ट्स क्या है, तो स्क्रिप्ट्स है सेफ्टी, चॉइस, रेडनेस, इन्फॉर्मेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सरप्लस गुड्स, कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड उसके साथ में रिप्रेजेंट. तो इस तरीके से आपको सारा का सारा जो सब पॉइंट्स है वो अच्छे से याद रह जाएगा. अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि सब पॉइंट्स के बाद जो आपको अंदर उसका पॉइंट्स आपको लिखना है, तो जब आपने एक बार सब पॉइंट्स लिख दिया तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. तो इससे आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, साथ साथ में आपके आंसर की क्वांटिटी भी
अच्छी खासी चली जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिख रहा होगा जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 137 से लिया गया है। तो ये जो एक्टिविटी होता है, ये सेम एक्टिविटी आपके टीचर्स आपको क्लास टेस्ट में या फिर एज अ प्रोजेक्ट असाइनमेंट देते हैं मार्क्स के लिए। तो आप यहाँ से देख के उसको भी लिख सकते हो, आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो, जब भी आपके टीचर आपको असाइनमेंट देंगे तो आप बस इसको कॉपी डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेज एंड मीनिंग्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अगेन मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट इसके पॉइंट्स थोड़े अलग हैं। तो आप पहले उसका डेफिनेशन मीनिंग लिख लोगे, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड एक डायग्राम बना लोगे। जहां आपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम के थ्रू अगर आपने आंसर को याद रखा है या कीवर्ड के थ्रू, तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको आगे का आंसर लिखने के लिए। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, कॉल PR। अब कॉल PR क्या कहता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कहता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड कहता है, फिर वो कहता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, लोक अदालत होने चाहिए, उसके साथ साथ में लेजिस्लेटिव मेजर्स होने चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, जनहित याचिका होनी चाहिए एंड रेड्रेसल फोरम होना चाहिए। सो ऐसे करके आप आंसर को बहुत ही इजीली लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा आंसर को यहाँ पे स्किप करूँगा क्योंकि रिपीटेड मेथड है। सो आप यहाँ से देख लीजिए, अपने नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी ना भूलना कि आपको वीडियो को लाइक करके ही जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, जिससे आप अपने नोट्स को इजीली कंप्लीट भी कर सको, साथ साथ में आपके चैप्टर्स का रिवीजन भी हो सके। इसके अलावा अगर आपके कोई भी एजुकेशनल डिमांड्स हो या फिर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हम आपको उसके रिलेटेड वीडियोस जल्दी से जल्दी बना के प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपके बेटर स्टडी के लिए एंड 12th स्टैंडर्ड में आप अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सको इसके लिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर देखो कीवर्ड है FQCCD BPO। तो वो क्या कहता है, फीलिंग ऑफ कंप्लेंट कहता है, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियस कहता है, कंज्यूमर शुड यूज़ हिज राइट्स, फिर उसके बाद में है कॉशंस कंज्यूमर, डिमांड ऑफ इनवॉइस, बी अवेयर ऑफ एग्जीक्यूटेड एडवर्टीजमेंट, प्री प्लान्ड बाइंग, यानी कि आपको खरीदने से पहले प्री प्लान करना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। नेक्स्ट आता है वापस से हमारी एक्टिविटी, तो इसको आप देख लीजिए। एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर हमने आपको यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है। तो ये टेस्ट जो है 1 घंटे का है, 30 मार्क्स का है। इसमें से आपको सारे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके रिवीजन के लिए। तो आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिए, जिससे आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सके कि आपकी स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची हुई है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विथ ऑप्शन। इसमें से 17 मार्क्स का आपको कंटेंट आने वाला है एंड जब आप ऑप्शन को अटेम्प्ट करने जाओगे तो टोटल आपको 7 मार्क्स का अटेम्प्ट करने वाला है। तो यानी कि ये लगभग 8 से 9% के वेटेज वाला चैप्टर है। काफ़ी इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रख लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड फर्दर आपको कौन सा एजुकेशनल वीडियोज़ चाहिए।